जो मैंने बनाई क्लास टेंथ की सोशल साइंस सब्जेक्ट, जो टेक्स्ट बुक जो डिस्कस किया जा रहा है वो इकोनॉमिक्स का है, और जो चैप्टर है वो डेवलपमेंट है। तो इस डेवलपमेंट चैप्टर में पिछले में एक वीडियो बनाई, उसको आप देखते रहिएगा, आप देखने के बाद जब इस वीडियो देखेंगे आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, मोर्टैलिटी मतलब होता है डेथ, आईएमआर रेट। देखिए मैं ये कब इसलिए समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि स्टैटिकल क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ डेटा दिया जाता है कि आईएमआर किस स्टेट, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार का ये है, तो किस स्टेट का आईएमआर बढ़िया है, विकार है, किसका हेल्थ बढ़िया है, अटेंडेंस रेशियो कितना है वहाँ पर, वैकेंसी रेट कितना, ये सारी चीज़ें वहाँ पूछी जाती है। वो ज़्यादा नहीं खाली दो नंबर क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, तो बस आपको सीधा करना है कि इसे क्या डिस्कशन पता होंगे। आप वहाँ सोच सकते हैं कि अगर वहाँ पर आईएमआर कम है तो खराब स्टेट नहीं है, वो बहुत बढ़िया स्टेट है, क्योंकि वहाँ पर डेथ कम हो रहा है, बच्चे वहाँ पर डेथ कम हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी ये समझाता हूँ आपको इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में क्या होता है कि अगर आज मान लीजिए 100 बच्चे जन्म लिए हैं तो एक साल के बाद कितने बच्चे जीवित बचे, एक साल के बाद वो कितने जीवित बचे, वो क्या होता है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। मान लीजिए आज 100 बच्चे जन्म लिए और 100 साल और 100 बच्चों में से अगर एक साल के बाद अगर 70 बच्चे वहाँ जीवित बचे और अगर टोटल 30 बच्चे मरे हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कितना है 30 है, क्योंकि वहाँ पे 30 बच्चे ही खाली मरे हैं। आप समझ जाए 100 बच्चों के जन्म में 30 बच्चे मरे हैं, 70 जीवित हैं एक साल के बाद, आईएमआर कितना है 30 है। अगर देखते हैं लिटरेसी रेट क्या है, देखिए लिटरेसी रेट क्या है, खाली कितना याद रखना है, 7 और उस एज के बच्चे अगर वहाँ पे लोग अगर वहाँ पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं तो क्या लिख लेंगे। अगर नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, अगर मान लीजिए 14-15 साल के बच्चे का एनरोलमेंट किया जाता है तो उस एरिया में कितने बच्चे हैं और उन बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं 14-15 साल के बच्चे, उन्हें क्या कहते हैं अटेंडेंस रेशियो कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे कहते हैं, नॉर्मल भी लोग पता होना चाहिए कि जब बच्चा जीवित होता है, जब पैदा होता है, तो उस समय डॉक्टर और नर्स कुछ बेसिक चेक करते हैं, उसका वजन नापा जाता है, उसका ब्लड हीमोग्लोबिन की सब चीज़ें चेक की जाती हैं, इससे ये पता किया जाता है कि वो बच्चा कितने लमसम साल तक वो जीवित रह सकता है, मतलब उसका हेल्थ बता दिया जाता है, उसका हेल्थ कितना होता है, हेल्थ कैसा होता है। तो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि पहले 2022 के 65 ईयर था, 65 से 67 ईयर्स माना जाता था, 65 से 67 ईयर्स क्या था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज जहाँ तक इंडिया का। अभी 2022 में इसकी रिपोर्ट आई है, उसको कितना माना गया 72 ईयर्स माना गया, 72 साल और मानी गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की किसकी, इंडिया की। तो एवरेज एक्सपेक्टेंसी जो है जब जन्म लेते हैं, जब प्रिडिक्ट किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इंडिया की कितनी है 2022 में 72 ईयर्स। तो देखिए 1, 2, 3, 4 चारों पॉइंट सुधारे, चारों पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आए कि व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टैटिकल क्वेश्चन जरूर पूछेंगे और वहाँ पर आपको आराम से जवाब देंगे, क्योंकि आपको इसका मतलब पता है। अगर मोर्टैलिटी रेट कम है तो बढ़िया स्टेट है, अगर लिटरेसी रेट डाउन है तो वो अनपढ़ लोगों का एरिया है, अटेंडेंस अगर बहुत डाउन है तो वहाँ पे लोग पढ़ने नहीं जा रहे स्कूल में, एक्सपेक्टेंसी का कम है तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी जाए, वहाँ पे स्वास्थ्य की और बेसिक फैसिलिटी जो पीडीएस वगैरह एक्सेस होती है वो बहुत कम है। इस तरह से आप आंकड़ा वहाँ लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये रिपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ, अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ लीजिए, मैं आपको हर किसी कमेंट का मैं जवाब दे रहा हूँ। और आप सभी का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे आगे सपोर्ट बनाए रखें और शेयर सब्सक्राइब करते रहें।